हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साम्राज्ञिया क्लासेस। मैं इस चैनल पे आप लोगों को इंग्लिश का पूर्ण ज्ञान करवाऊंगा। जिस प्रकार हम लोग हिंदी को जानते हैं, मतलब जब भी कभी हमारा हिंदी का कोई लेसन होता है, कोई पाठ होता है, हम उसे पूरा का पूरा अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो हम लोग योग्य हो जाते हैं। उस पाठ में से कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो हम उसे अपनी भाषा में लिख देते हैं। सेम इसी तरीके से मैं आप लोगों को इंग्लिश का पूरा स्टार्टिंग से एंड तक बताऊँगा। तो बने रहिए मेरे साथ और चलिए अपन अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि कोई भी भाषा को जब हम सीखते हैं तो पहले हमें उस भाषा के वर्ण आने चाहिए, अक्षर आने चाहिए। तो इंग्लिश के अक्षर तो आप सभी जानते हैं कि 26 लेटर्स हैं, ए से लेके जेड तक। परंतु देखिए, उन लेटर्स को कहा क्या जाता है? उन लेटर्स को कहा जाता है अल्फाबेट। क्या कहा जाता है? अल्फाबेट। और जब ये अल्फाबेट आपस में जुड़ते हैं तो क्या बन जाता है? इन अल्फाबेट्स को आपस में जोड़ा जाता है तो बन जाता है शब्द, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं वर्ड। सबको जैसे हमने अल्फाबेट लिख दिए, ए बी सी डी इत्यादि, बहुत सारे लिख सकते हैं, मतलब पूरे के पूरे 26 लेटर लिख सकते हैं। अब इन्हीं में से मैं कुछ शब्द चुनता हूँ, जैसे मैंने चुना बी ओ वाई, तो क्या बन गया? बॉय बन गया। इसी तरीके से जब हम शब्दों को आपस में जोड़ते हैं तो बनता है सेंटेंस, एस ई एन T-E-N-C-E, sentence। अच्छा, sentence का मतलब क्या होगा? जैसे कि अब हमने देखो, कुछ शब्दों को आपस में मैं जोड़ के आप लोगों को बताता हूं। जैसे मैंने जोड़ा sentence के लिए, राम इज अ बॉय। तो देखें आप, मैंने इंग्लिश अल्फाबेट को जोड़ा तो राम बन गया, इंग्लिश अल्फाबेट आई एस को जोड़ा तो इस बन गया ए, फिर मैंने बी ओ आई बॉय। अच्छा, तो इससे क्या हो गया? सेंटेंस बन गया। अच्छा, सेंटेंस की परिभाषा थोड़ी सी हम देखेंगे। शब्दों का सार्थक समूह को हम वाक्य कहते हैं। कहने का मतलब क्या है? जब भी शब्द लिखे जाएं और उसे सही तरीके से जमाया जाए और उसका अर्थ निकले, तब वो सेंटेंस कहलाता है। अच्छा, सेंटेंस भी चार प्रकार के होते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। चलिए, लेकिन अभी मैं आगे आपको बताते चलूं। जैसे कि अभी यहां तो लिख दिया राम इज अ बॉय। अच्छा, ये राम है क्या? तो अपनी इंग्लिश के अंदर आगे आते हैं इसके बाद, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच देखें, जैसे यहां पर जो राम है, राम आपका नाउन हो जाता है, ठीक है। इसी प्रकार इज आपका एक हेल्पिंग वर्ब है, ए आपका आर्टिकल है, बॉय फिर से एक नाउन हो जाता है। अब आप यहां पे सोच रहे होंगे कि सर, अभी आपने राम को भी नाउन बना दिया और बॉय को भी नाउन बना दिया। तो बेटा, अपन क्या करेंगे, इनके अंदर नाउन भी फर्दर कैटेगराइज्ड होता है, मतलब इसके भी अलग अलग प्रकार हैं। तो हम आपको अभी बता रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। तो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या क्या हैं? फर्स्ट नाउन, सेकेंड प्रोनाउन, थर्ड होता है एडजेक्टिव, देन अपना फोर्थ आ जाएगा वर्ब, फिफ्थ आ जाएगा आपका एडवर्ब, सिक्स्थ आ जाएगा आपका प्रीपोजिशन, सेवेंथ आ जाएगा आपका कंजक्शंस, एट आ जाता है आपका इंटरजेक्शन, नाइन्थ वैसे माना तो नहीं जाता है लेकिन लोग इनको लेने लगे हैं आजकल की भाषा में, इसको भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में ही आ जाता है ये डिटरमिनर्स।
अच्छा अब आपको आगे बताएं, तो ये जो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब प्रीपोजिशन कंजक्शन इंटरजेक्शन एंड डिटरमिनर्स, इसके अंदर मुख्य बात ये हो जाती है कि इन्हीं सारे शब्दों का प्रयोग करके हम वाक्य बनाते हैं या कोई सा भी वाक्य हम लिखते हैं तो उस वाक्य के अंदर यही सारे के सारे शब्द प्रयोग किए जाते हैं। जैसे मैं आपके लिए एक एग्जाम्पल लिख के बताता हूं, राम इज अ बॉय, ही रीड्स इन क्लास 10th His brother reads in class 9th. Both are good in studies. अच्छा इसका अर्थ मैं आपको समझा देता हूं। सबसे पहले कि राम एक लड़का है, वह कक्षा 10 में पढ़ता है, उसका भाई कक्षा 9 में पढ़ता है, दोनों ही पढ़ाई में अच्छे हैं। अच्छा अब इसके अंदर मैं आपको आगे बताते जाऊं तो ये जो राम है ये आपका क्या बन रहा है, नाउन बन रहा है। क्या बन रहा है? नाउन बन रहा है। इज आपका हेल्पिंग वर्ब है, ए आपका आर्टिकल है, मैं चलिए लिख ही देता हूँ आर्टिकल है। बॉय आपका फिर से नाउन है। अच्छा ये ही जो है ये आपका क्या है, प्रोनाउन है। और ये जो रीड है ये आपका वर्ब है, जो इन है आपका ये आपका प्रीपोजिशन है। और इसी तरीके से अपन सारे शब्दों को पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर रख सकते हैं। अब मैं एक एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को आपको अच्छे से पूरा का पूरा अलग से एक्सप्लेन करूंगा। और इसी चैनल पर मैं सारे के सारे 9th, 10th, 11th, 12th के क्लास का पूरी की पूरी इंग्लिश कंप्लीट कराऊंगा इन्हीं 4 महीनों में, मतलब बोर्ड एग्जाम्स के पहले। तो मेरे साथ बने रहिए विद्यार्थी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक इट। थैंक यू।